हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स वाला दैट प्रोवाइड्स यू एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स वाला चैनल पर, जो आपको शिक्षा फ्री में ही प्रदान करती है। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले के दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर जो था वो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने क्या समझा है कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बेसिक बातों के बारे में जानकारी ली है। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे समथिंग अबाउट कार्ड्स एंड कॉइन्स, कार्ड्स और कॉइन्स के बारे में। तो कार्ड्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कुल कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं इसके, हम वो क्लियरली कर पाएंगे। सो देखते हैं कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो कि हमें होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं कार्ड्स कुल कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। इसमें से ये चार टाइप के होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। सो जानते हैं क्या 52 होता है ना, 13 स्पेड्स का, 13 क्लब्स का, 13 हार्ट्स का एंड 13 डायमंड का, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसमें आपने देखा हो क्वेश्चन फेस कार्ड करके पूछता है कि फेस कार्ड क्या होता है। तो फेस कार्ड में जैसे आपका काउंटिंग होता है, कार्ड में दिखाता है एक का, दुक्का, फिर तिहाई, फिर दस्ता, ऐसे करके दिखाता है। तो हिंदी में बहुत बेसिक जानकारी तो मुझे नहीं है, उसके बारे में आपको समझना हो तो आप कार्ड्स लेके देख सकते हैं। तो जो हम लोग अभी जानेंगे आपको बेसिकली, हम लोग सीरियसली वर्ड पढ़े तो हमें इंग्लिश जाना जरूरी है, क्योंकि सब क्वेश्चन में इंग्लिश में ही पूछेगा। तो कुछ नंबर कार्ड्स होते हैं, कुछ फेस कार्ड्स होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जैसे एक से लेकर, एक को हम एस कहते हैं, ए सी ई, ना, जो एक नंबर का कार्ड जो होता है उसे एस कहते हैं, यानी कि इक्का, ठीक है। उसके अलावा 2 से लेकर 10 तक सब काउंटिंग के नंबर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 सब होते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक हो गया। अब 3, तो स्पेड्स में भी 3 होते हैं, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग, ठीक है। 3 होते हैं, जैसे देख लीजिए आप इसको, समझ लीजिए फिर से एक बार। एक तो आपका हो गया इक्का, एस का, फिर 2 से लेकर 10 तक क्या हो गया आपका, काउंटिंग नंबर्स हैं कि नंबर कार्ड हिसाब कर सकते हैं, नंबर कार्ड, ठीक है। उसके बाद 13 होते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम समझ लिए। फिर 11, 12 और 13 क्या होते हैं, 11 आपका मतलब जो 11वें नंबर का कार्ड होता है, फिर जो 11वां कार्ड होता है वो होता है आपका एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक का, ठीक है। एक होता है किसका, किंग का, और एक क्वीन का, और एक जैक का, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक ये 11, 12 एंड 13 13 कार्ड हो गए। इसके पहले अभी आपने इतना जान लिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके कलर के बारे में। तो हार्ट और डायमंड का जो होता है वो रेड कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, रेड कलर का, और स्पेड्स और क्लब्स का ब्लैक कलर का, स्पेड्स और क्लब्स का ब्लैक कलर का होता है। हार्ट का से कुछ इस तरीके से होता है, उसमें हार्ट साइड ऐसे, ठीक है, और डायमंड का कुछ इस तरीके से होता है ना, और स्पेड्स का कुछ ऐसे चिड़ी करके होता है, हिंदी में ऐसे करते हैं कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो, इसको आप देख लेंगे बुक में। सो तो 13 कार्ड्स के बारे में हम समझ गए, 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये 32, ऐसे कार्ड्स का पूरा सिंबल होता है। तो 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर काउंटिंग वाले हैं, नंबर कार्ड्स हैं। फिर 11th वाला जो है क्वीन है, किंग, क्वीन और जैक, 3 कार्ड ये। सिमिलरली इन दिस वे ये 10 कार्ड्स ऑफ नंबर कार्ड है ना, देन 11th इज किंग एंड 12th इज क्वीन एंड 13 इज जैक। सो 13 13 13 एंड 13 मेक्स 52। सो देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड दैट आर वी हैव टू एक्सप्लेन, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉइन। बिफोर इट लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन, इसके पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं से रिलेटेड, ठीक है। देखिए तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ पर आपके लिए सिंबल ड्रॉ कर दिए, एक्चुअली इसको वी नीड नॉट टू लर्न अबाउट इट, इसको हमें सिंबल नहीं याद रखना है, बस आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता चाहिए कि कौन से कार्ड कितने नंबर में होते हैं। तो हम लोगों ने पहले से समझ लिया है कि 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग के कार्ड होते हैं। 11 वाला होता है आपका किंग, 12 वाला होता है क्वीन एंड 13 वाला होता है जैक। जैक को जोकर भी कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक। एक वेल सफर्ड यानी अच्छे से मिलाया गया डेक में से एक कार्ड निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो क्या होगा, एक एस होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एस होगा, यानी कि फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ना क्या होने के लिए, कि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, एक एस है। एस जानते क्या होता है, इक्का। अच्छा, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, कुल कितने इक्के हुए, 4 पूरे कार्ड में, पूरे 52 कार्ड के डेक में कुल कितने इक्के होते हैं, 4। आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे क्योंकि 1 से 10 तक यहाँ पर होता है नंबर कार्ड, 1 से 10 तक यहाँ होता है, 1 से 10 तक यहाँ और 1 से 10 तक यहाँ। तो एक यहाँ पर, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर में बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको फर्स्टली बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कितनी है, हमारे फेवर में कितनी है, एक इक्का यहाँ पर, एक इक्का यहाँ पर, एक इक्का यहाँ पर और एक इक्का यहाँ पर, कुल 4 कंडीशन है। सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन एस इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल इज 4 एंड टोटल इज, कुल कितने कार्ड हैं, 52। सो इफ यू डिवाइड 13, ओके 1/13, 14 में जब 14 है, 13 4 52। तो किसी भी वेल सफर डेक ऑफ कार्ड में से अगर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कि वो एस हो। सो फेवरेबल कंडीशन इज 4, कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 4 है, हमारे पास 4 ही इक्के हैं जो आ सकते हैं और टोटल कितने हैं, 52 है। सो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, 4 1 4 13 4 52। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एंड सेकेंडली आस्क है, पहले कहा गया कि कितने फाइंड आउट कीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस आएगा, और सेकेंडली कहा गया कि फाइंड आउट कीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस नहीं आएगा। इसके 2 अल्टरनेट तरीके हैं। पहले तो आप कर सकते हैं कि जब 4 एस हैं, ठीक है, 4 एस हैं, 4 इक्के के अलावा कुल कितने बचे हैं, 48, ठीक है, 48 आपका बचा हुआ है जो कि आपका एस नहीं है। फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, 48, टोटल क्या है, 52, ठीक है। याद रखिएगा, जब फेवरेबल अपन टोटल से आप लगाते हैं तो फेवरेबल कितनी है, 48, टोटल 52, बिकॉज ऑफ 48, बिकॉज ऑफ 4 कार्ड आर ड्रॉन, निकाल लिए गए हैं, ठीक है। किसी कार्ड के डेक में से हमें इक्का नहीं लेना है, इक्का को कितना होता है, 4। जब इक्के नहीं लेंगे तो कुल कितने बचेंगे, 48 अपॉन 52। दिस इज द फेवरेबल कंडीशन एंड दिस इज टोटल कंडीशन। सो वी में डिवाइडेड 12 4 48 एंड 13 4 52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉन एस कार्ड, ठीक है, नॉन एस कार्ड क्या होगा, नॉन एस कार्ड मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन एस कार्ड है, यानी कि एस कार्ड नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कोई कार्ड आ सकता है, तो क्या होगा, 12 अपॉन 13। एक अल्टरनेट मेथड है, एक अल्टरनेट मेथड है जिसके बारे में पहले से लेक्चर फर्स्ट में आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरनेट मेथड में क्या है कि आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है। अगर कार्ड के वेल सफर डेक में से एक कार्ड निकालने पर एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। तो एस न आने की प्रोबेबिलिटी और एस आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी ये है, एस न आने का क्या होगा, पी नॉट ई, इज इट क्लियर ना। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। एस न आने का क्या होगा, पी नॉट ई, ठीक है, इक्वल्स टू 1। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। याद रखिए इसको लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया गया है, और आपको डाउट हो तो आप लेक्चर फर्स्ट में आके देख सकते हैं इसको। सो व्हाट इज पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस का, हियर इज 1/13 पॉजिटिव साइन, यहाँ पर क्या है, प्लस के साइन में, यहाँ जाएगा तो माइनस के साइन में होगा। ट्रांसपोज रूल आपको आता होगा, क्लास 10 में पहुंच गए हैं, आना चाहिए आई थिंक। 13 में से कर गए 12 अपॉन 13, मतलब एस नाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 अपॉन 13, क्लियर है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक। जहाँ भी आपको डाउट हो कि थोड़ा सा नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई क्वेश्चन है
बोर्ड से रिलेटेड। आप जानते हैं कि सिर पर बोर्ड है, डर तो सबको होगा आई थिंक, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है उसमें, आपको पेशेंस रखना है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा मेहनत चाहिए, ठीक है। सो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन फर्स्ट गया नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी डाउट के भेज सकते हैं उसको। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिट इन लिस्ट टाइम, ठीक है, कम से कम समय में सॉल्व करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि कार्ड में कुल 52 कार्ड्स होते हैं किसी डेक में, उसमें 13 13 13 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 13 स्पेड्स 13 क्लब्स 13 हार्ट 13 डायमंड। सो 1 से लेकर 10 तक क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक क्या होता है, नंबरिंग के कार्ड होते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग, ठीक है। 40 कार्ड्स ऐसे हो गए, बचे कितने 12, 3 यहाँ पर फेस कार्ड, 3 यहाँ पर फेस कार्ड। लेट मी रिकॉल दैट फेस कार्ड, याद रखिएगा ये वर्ड आपको फंसाकर पेपर में पूछता है, फेस कार्ड से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फेस कार्ड क्या होता है, किंग का, क्वीन का और जैक का, यही तीनों कार्ड को फेस कार्ड कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ठीक है। 3 यहाँ फेस कार्ड 3 यहाँ फेस कार्ड, 6 6 3 9 और 9 3 12, कुल 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी, ये तो पर्टिकुलर हमने ले लिया एस के बारे में, कोई भी क्वेश्चन लेता है आपको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको कार्ड के बारे में बृहद चर्चा करी जा चुकी है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एस पूछ रहा है कि एस को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको याद होना चाहिए कि पूरे कितने एस होते हैं, 1 2 3 4, इक्का एक यहाँ पर है, एक इक्का यहाँ, एक इक्का यहाँ, एक इक्का यहाँ, कुल 4 इक्के होते हैं, 4 एस होते हैं। सो फेवरेबल कंडीशन इज 4 एंड टोटल कंडीशन इज 52, सो 4 1 4 एंड 13 4 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस, इट इज 1/13। सो इन द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता नहीं है कि एस आएगा, ठीक है। इसके 2 कंडीशंस हैं, आपको तो ये बहुत ही इजीली आ जाना चाहिए, आई थिंक आपको फर्स्ट लेसन में डिफाइन किया गया है, फिर से कह देना अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। अगर एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13, तो ना आने और आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। ना आने के लिए फाइंड आउट करना है, 1 पता है 1/13 पता है, सो व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू डू दैट ट्रांसपोज दिस 1/13 टू द राइट साइड, इस 1/13 को राइट साइड ले जाइए, 13 13 1 12/13। एंड द सेकेंड व्हाट इज द मेथड दैट वी हैव दैट देयर 4 एस कार्ड, 4 के अलावा कुल कितने बचे 52 आई थिंक, सॉरी कुल कितने हैं 52, 4 के अलावा कितने बचे 48, फेवरेबल कितना हो गया 48, टोटल कितना हो गया 52, तो क्या होगा 12/13, 4 एंड 12/4 जा 48 एंड 13/4 जा 52। सो दिस इज क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉन एस कार्ड, ना ये क्या है ना आए एस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ओके। सो आई थिंक जो आज बताया गया उसको आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जहाँ पर आपको दिक्कत हो आप उसको लेकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम।